स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, व्हाई डू एटम ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस नॉट एग्जिस्ट एज ए सिंगल एटम। क्यों आपके सारे एलिमेंट नोबल गैस को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? व्हाई डू एटम ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस नॉट एग्जिस्ट एज ए सिंगल एटम। अगर मैं नोबल गैस को छोड़ दूं, नोबल गैस में कौन कौन से भाई आते हैं आपके, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। अगर मैं इन गैसेस को छोड़ दूं जो कि एक नोबल गैस है, बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं उनके जो एटम होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। सिंग बाकी सारे एलिमेंट जो है आपके नोबल गैस को छोड़ करके, बाकी सारी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वह सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तो अगर नोबल गैस के केस में देखोगे तो नोबल गैस होते हैं इनके केस में क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो पाओगे कि आपका इनका जो वैलेंस सेल होता है, क्या होता है? वैलेंस सेल मतलब आखिरी सेल, ठीक है, वो क्या होता है? कंप्लीटली फिलअप होता है। क्या होता है? कंप्लीटली फिलअप होता है। इस कारण से ये जो आपके गैस है ना, इनर्ट गैस जो है वो रिएक्टिव नहीं होते, और जब रिएक्टिव नहीं होंगे तो किसी और अदर एटम से ज्वाइंट नहीं होंगे। कोई एटम दूसरे एटम से ज्वाइंट क्यों करता है? एक एटम आपका दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है? इसलिए क्योंकि जो एटम है वो क्या है आपके, अगर मैं अदर एलिमेंट की बात करूं नोबल गैस को छोड़ करके, बाकी सारे एलिमेंट के जो एटम होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कंप्लीट नहीं होता है, और ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से यह अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे एटम से रिएक्ट करते हैं और ज्वाइंट हो जाते हैं, और मॉलिक्यूल के रूप में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल के रूप में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो हो सकता है एक एटम आपका, कोई एलिमेंट का एक एटम किसी अदर एटम से क्या करे, कंबाइन करे और मॉलिक्यूल बना ले। लेकिन नोबल गैस में चूंकि आपका वैलेंस सेल देखोगे तो वैलेंस सेल में इसके नोबल गैस के केस में क्या होता है, इसका जो वैलेंस सेल होता है वह कंप्लीटली फिलअप होता है। जब कंप्लीटली फिलअप होगा तो इसे किसी और से ज्वाइंट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं, और अकेले रहना क्या करते हैं? पसंद रहते हैं। अकेले रहना एटम के रूप में अपने आप को रखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनका वैलेंस सेल क्या होता है, कंप्लीटली फिलअप होता है और इन्हें आवश्यकता नहीं होती किसी और से जुड़ने की। इसीलिए ये जो आपके गैसेज है इनर्ट गैस, ये एटम के रूप में क्या कर सकते हैं? एग्जिस्ट कर सकते हैं। जबकि अदर एलिमेंट के इसमें क्या है, अदर एलिमेंट के जो एटम होते हैं नोबल गैस को छोड़ करके वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह है कि ये क्या, इनके जो एलिमेंट है अदर एलिमेंट के जो एटम है वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ये लोग उत्तेजित रहते हैं और किसी से भी क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अपने वैलेंस सेल में। इसीलिए क्या होते हैं, अदर एलिमेंट के जो एटम होते हैं दूसरे एटम से कंबाइन करते हैं, जबकि नोबल गैस के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनका वैलेंस सेल जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, फिलअप होता है, और ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, इनको किसी और से जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए इन एलिमेंट के जो एटम है वो अकेले क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाई डू द एटम ऑफ नोबल गैस नॉट फॉर्म आयन और मॉलिक्यूल। क्वेश्चन
तो नोबेल गैस के जो एटम है वह आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, न ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि नोबेल गैस केस में क्या है, नोबेल गैस के केस में अगर हीलियम को छोड़ दो, है ना, हीलियम को अगर छोड़ दोगे, एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सारे एलिमेंट जो है आपके, यानी हीलियम को अगर छोड़ दोगे, बाकी नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन देखोगे तो इनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जरूरत पड़ेगी, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक कोई एटम आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, तब तक वह आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना। इसीलिए क्या होते हैं, ये जो आपके नोबेल गैस हैं, ये नोबेल गैस जो है वो आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बिकॉज इन द केस ऑफ नोबेल गैस इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, हेंस देयर इज नो लॉस, दीज डू नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन, सो दे नॉट फॉर्म आयन, है ना। और मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाते भाई, क्योंकि इनको मॉलिक्यूल बनाने जब इनके एटम आपके रिएक्टिव नहीं होते हैं तो ये इनके जो एटम है वो किसी से कंबाइन नहीं करेंगे, जब कंबाइन नहीं करेंगे तो उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन दियर एटॉमिसिटी। जैसे कह रहा है कि ये जो आपके मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इन मॉलिक्यूल को हमको क्या करना है, एटॉमिसिटी बतानी है। तो हीलियम की एटॉमिसिटी, चूंकि हीलियम आपका हीलियम एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसके हीलियम जो गैस है, हीलियम गैस में आपके हीलियम गैस हीलियम के एटम से मिलकर बना होता है, तो ये जो हीलियम है वह एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है, सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये है आपका हीलियम के केस में, जो हीलियम एटम है वही मॉलिक्यूल का काम करता है, और इसलिए हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 1। नाइट्रोजन का देखोगे तो नाइट्रोजन नेचर में N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन जो है आपका वो मॉलिक्यूल बनाकर अपने आप को रखता है, यानी नाइट्रोजन जो है उन N2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, क्योंकि हाइड्रोजन भी नेचर में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी भी एटॉमिसिटी 2 होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, इसमें कितने एटम है, 3, दिस इज एटॉमिसिटी 3 होगी। वाटर H2O, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। फास्फोरस C4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसकी एटॉमिसिटी 4 होगी। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला 3, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। और ओजोन, ओजोन नेचर में देखोगे तो ओजोन नेचर में आपका O3 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बाई वाट नेम एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट्स कॉल्ड। किस नाम से जाना जाता है जब कोई एटम आपका या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है उसे हम लोग आयन के नाम से जानते हैं। और दो एग्जाम्पल देना, तो आयन का भाई सोडियम आयन क्लोराइड आयन हो गया, और ग्रुप ऑफ एटम, अगर आप ग्रुप ऑफ एटम है और उस पर चार्ज है, जैसे आपका अमोनियम आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, एक ग्रुप ऑफ एटम है और इन पे क्या है, चार्ज है, दीज आर आल्सो आयन, बट दीज आर पॉलीएटॉमिक आयन और ये क्या थे, मोनोएटॉमिक आयन थे, इनमें क्यों सिंगल एटम था, इसमें एक से ज्यादा एटम है, इसलिए क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे, 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे तो कह रहा, फाइंड आउट द रेशियो बाय मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एटम एटॉमिक मास आपका दिया गया है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फेट। ये तो हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर चुके हैं तो दोबारा हम सॉल्व नहीं करेंगे, उस वाले लेक्चर में हमारा एक टॉपिक कवर हो गया था, एक क्वेश्चन मैंने लगाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 21, क्वेश्चन नंबर 21 अगर देखोगे तो बोल रहा है राइट डाउन दी फार्मूला, लिखना है भाई, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड देखोगे तो इसमें कैल्शियम है और क्लोराइड है, कैल्शियम और क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, है ना।
ये क्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज होता है, तो कैल्सियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा, बनेगा इसका फॉर्मूला CaCl2। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम हो गया और नाइट्रेट मतलब NO3 पे 1 निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, आपका फार्मूला बना KNO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट, कार्बोनेट पे होता है 2 निगेटिव चार्ज है ना, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो होगा आपका बनेगा Ca2CO3 का होल ट्वाइस। अब चूंकि यहाँ पे दोनों आप देखो, यहाँ से आप जब इस ए दो है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ से दो क्या कर सकते हो, तो आप कॉमन ले सकते हो, इसका सिंपल होल रेशियो बना सकते हो, क्या बनेगा इसका, अगर दो आपका यहाँ पर भी दो, दो यहाँ पर भी है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैसे नहीं करने के, बस इसका मतलब सिंपल वर्जन ले रहा हूँ, तो इसका सिंपल वर्जन क्या होगा, CO CO3। हालांकि दो दो दोनों थे ना, इसलिए मैं दो यहाँ पे दो हटा दिया, मतलब रेशियो ले लिया, ये जो 2 था और 2 और ये जो 2 था, इन दोनों का मैं रेशियो ले लिया 1:1, यानी कैल्शियम एक कैल्शियम आयन के साथ में एक कार्बोनेट आयन होगा। यहाँ पे ए जो था फार्मूला आपका CA2CO3 का होल ट्वाइस, ए फार्मूला ये बता रहा था कि दो कैल्शियम आयन के साथ में कितने कार्बोनेट आयन होंगे, दो कैल्शियम आयन के साथ में दो कार्बोनेट आयन होंगे है ना, दो कैल्शियम आयन के साथ में दो कार्बोनेट आयन होंगे, तो आप बात करोगे एक कैल्शियम आयन के साथ कितने कार्बोनेट होंगे, एक कैल्शियम के साथ में एक कार्बोनेट आयन होंगे है ना। ये आपका क्या है, हम लोग जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल फार्मूला लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपल वर्जन लेते हैं है ना, इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CaCO3। ऐसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम और सल्फेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा पोटेशियम का होल ट्वाइस और SO4। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट भाई, एल्युमिनियम और सल्फेट है ना, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बनेगा H2SO4 का होल ट्वाइस। सारे क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है ना। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल ऑफ दी फॉलोइंग, इतना ग्राम नियान में और इतना ग्राम नियान में, इतना एटम नियान में निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है मोल की संख्या इसमें इतना ग्राम नियान में, तो एक नियान गैस है जिसका मास कितना है, 2.02 है ठीक है, तो चूंकि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, मैं जानता हूं कि आपका वेट अपॉन मोलिकुलर मास होता है, वेट कितना दिया 2.02, और नियान चूंकि एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है और नियान का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 20.02 ठीक है, तो यहां से ये आपका इसका जो नियान का मोलर एटॉमिक मास होता है इतना ग्राम पर मोल होता है, ये आपकी वैल्यू ग्राम में होगी, यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल निकल के आएगा वो आएगा 0.1। ऐसी तरीके से यहाँ पे नियान लिया गया है और नियान का आपके नियान के 12.04 10^23, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल का मतलब क्या होता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल या एटम हो सकता है, तो यहाँ पे जो आपका एटम दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे पार्टिकल का ले लेंगे एटम, तो यहाँ पे बन जाएगा नंबर ऑफ एटम है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, अब पार्टिकल की जगह पे यहाँ पे मैंने एटम लिया है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे एटम दिया गया है, और डिवाइड बाई 6.02 नंबर ऑफ एटम कितने है भाई, एटम की संख्या 12.04 10^23 और डिवाइड बाई 6.02 23 हो गया, यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल निकल के आया है ना, ये वाला हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है भाई, विच कंटेन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 70 70 ग्राम नाइट्रोजन ज्यादा एटम आपके मॉलिक्यूल रखता है या 70 ग्राम ऑक्सीजन
तो 70 ग्राम अगर नाइट्रोजन की बात करोगे, 70 ग्राम नाइट्रोजन गैस की बात करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूल मास। वेट होता है 70 ग्राम और मॉलिक्यूल मास कितना होता है आपका, मॉलिक्यूल मास इसका होगा आपका, तो देखो 2 नाइट्रोजन एटम है ना इसमें एक मॉलिक्यूल में, तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 28 होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना, यहां से करोगे तो 35/14 ठीक है, और यहां से आप डिवाइड करोगे तो आगा 14 दिन 28, और यहाँ पे 14 दिन 28 और 7 बचा 70 हो गया, 14 पंजे 70, हाँ 14 पंजे 70, 2.5 मोल आया है ना। 70 ग्राम नाइट्रोजन गैस में कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो 2.5। इसी तरीके से 70 ग्राम ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट है आपका 70 ग्राम और डिवाइड बाई मोलर मास कितना है भाई ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मोलर मास है O2, O2 का मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम है ना। तो यहां से करोगे तो आपका हो जाएगा 35/16 और 16 दूनी 32 और यहाँ पे बचा 3, 30 हो गया, 16 कम 16, फिर आपका हो गया 14 बचा है ना, 14 14 मतलब 140 हो गया, तो 40 हो गया तो मतलब आपका कितनी बार जाएगा, 16 8 बार जाएगा, यानी आपका जो मूल नंबर ऑफ मूल निकल के आया 70 ग्राम ऑक्सीजन गैस में, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकल के आया वह 2.18 आया है। तो जिसमें नंबर ऑफ मोल आपका ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा, तो चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस जिस केस जहां पे आप, जब आपका देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस केस में ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ मोल आपका ज्यादा कौन था इस वाले केस में, नाइट्रोजन वाले केस में, तो आपका ये जो नाइट्रोजन 70 ग्राम नाइट्रोजन होगा ये कंटेन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना। आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है आपका हाँ नाइट्रोजन कंटेन मोर ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई क्या बोल रहा है अलग। कैरेक्टिक क्या लेना है, 15 ml आपको लेना है ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन ए बीकर ऑफ 100 ml, टेक अबाउट 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अनदर बीकर 100 ml, वेट बोथ बीकर टुगेदर विथ दियर कंटेंट है ना, ट्रांसफर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्शन बीकर वन ऑफ द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन है, वन विद द रिएक्शन मिक्सर एंड अदर इम्पिटी टुगेदर, व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको क्या लेना है, 15 ml लेना है, किसका, एक सोल्यूशन लेना है आपका, सोल्यूशन किसका है, सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का आपको लेना है एक्वस सोल्यूशन है ना, इसका कंसेंट्रेशन दिया गया 5% भाई है ना, और इसका कितना एम एल लेना है, 25 ml लेना है, और इसको किसके साथ ऐड कर देना है, और एक दूसरा आपको बीकर लेना है जिस बीकर में आपका 10 ml का लेना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
एक दूसरा एक बीकर है आपका जिसमें आपका लेड नाइट्रेट रखा हुआ है, और दूसरा बीकर है जिसमें क्या आपका 10 ml क्या है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनदर बीकर में है ना, 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन बीकर, बीकर का वॉल्यूम भाई 100 ml है ठीक है, और इस बीकर का भी वॉल्यूम क्या है 100 ml है। इस बीकर का वॉल्यूम है 100 ml और इस बीकर की का भी वॉल्यूम होगा 100 ml। करना क्या है अब मुझे क्या करना, वेट बोथ द बीकर टूगेदर, दोनों बीकर को हम लोग एक साथ क्या करेंगे वेट करेंगे विथ बियर कंटेंट। तो भाई इस बीकर में कितना आपका कितना था 15 ml ना, 15 ml इस सोल्यूशन का कितना ml था 15 ml, दोनों को साथ में वेट करना है ना। चलो अच्छा चलो हम मेजर कर लेंगे, तो लेड नाइट्रेट का आपका जो बीकर का तो वॉल्यूम 100 ml था, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हमें मतलब है इस जो सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या था 5%। 5% से मतलब क्या समझ आया, चूंकि इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 5% है ठीक है, इससे पता चल रहा है कि आपका 100 ml सोल्यूशन में आपका 100 ml सोल्यूशन में कितना डिजॉल्व है आपका लेड नाइट्रेट, तो 5 ग्राम है ना, 5 ग्राम आपका क्या है लेड नाइट्रेट डिजॉल्व है। तो 25 ml में कितना आपका, अच्छा ठीक है 100 ml। अब बोल क्या रहा था, वेट तो हम कर ही लेंगे, फिर कह रहा ट्रांसफर दी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू लेड नाइट्रेट। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग कोट करेंगे इस लेड नाइट्रेट में, लेड नाइट्रेट में लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में, लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोट किया जाएगा तो क्या होगा रिएक्शन होगा किसी किसके बीच में, इन दोनों के बीच में बनेगा PbCl2+HNO3। ये जो लेड क्लोराइड होता है व्हाइट कलर का PPT होता है ठीक है, व्हाइट कलर PPT, PPT का मतलब प्रिसिपिटेट, जो कि क्या होता है इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा सॉलिड के रूप में है ना। तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो इसके जो आपका बीकर होगा, इस बीकर के बॉटम पे लेड नाइट्रेट आपको लेड क्लोराइड जमा होते हुए नजर आएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, यहाँ पे एक सॉलिड मटेरियल मिलेगा आफ्टर जब मिक्स करोगे तब की बात है, और ये जो आपको मिलेगा नीचे बॉटम पे वो किसका क्या होगा आपका लेड क्लोराइड होगा, जो कि व्हाइट कलर का होगा, सॉलिड मटेरियल जमा हो जाता है नीचे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। अच्छा ये तो हो गया आपका, राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना है भाई तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, यहाँ पे 2 ठीक है बैलेंस भी हो गया। व्हाट हैपन यहाँ पे कह रहा है व्हाट क्या होता है, तो भाई यहाँ पे बनेगा आपका PbCl2 बनेगा, PbCl व्हाइट कलर प्रिसिपिटेट बनेगा ठीक है, व्हाइट कलर प्रिसिपिटेट और फॉर्म है ना। दूसरा बैलेंस केमिकल क्वेश्चन लिखना था तो हो गया भाई आपका यहाँ पे, फिर कह रहा है सी वाला तीसरा, व्हाट हैपेंड टू द मास ऑफ सेटअप आफ्टर द रिएक्शन, क्या मास होगा ऑफ मास ऑफ द सेटअप, पूरे सेटअप का मास क्या होगा आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद में है ना। तो सेटअप का क्या होगा, तो आप जानते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मास आपका कंजर्व रहता है, मतलब मास ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, तो वही कह रहा है देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि पता है कि रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान आपका ना तो मैटर यानी मास ना तो आपका लॉस होता है ना तो ही क्रिएट होता है, तो पूरे सिस्टम के मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। फिर कह रहा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय दिस एक्टिविटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन है,
इन सबको क्या लगाना है, ठीक है। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम छोड़ देंगे, बाकी जो सॉल्व करने लायक रहेगा वो हम सॉल्व कर देंगे। थ्योरी वाले में लिखना पड़ता है ना, थ्योरी वाले में लिखना पड़ता है, तो जो लिखने वाली चीज होगी उसको यहाँ पे तो स्क्रीन नहीं कर मिलेगा, क्योंकि तो मैं बैठ के यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ी लिखने बैठूंगा तो बहुत समय लगेगा। और हाँ, हालांकि जो आपका चीजें बताने लायक होगी वहां पे मैं बताऊंगा, ये होगा आपका अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।